मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करना है, दो पॉइंट है। ओके चलो देखो, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, मान लो कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, कैसा भी ट्रायंगल है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको दो साइड का मिड पकड़ना है, मिड पॉइंट, ठीक है। आप ये दोनों का भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, कुछ भी। तो एक ट्रायंगल में कितनी साइड होता है पहले ये बताओ। अगर दो के मिड पॉइंट पकड़ने तो कितनी साइड रहेगी, इतनी बात समझे। तो अगर मैं कहूँ ए बी और ये बात करूँ एक्स और वाई, तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये बोल सकता हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको दो साइड का मिड पॉइंट पता है, ये बात समझ में आई है नहीं है। तो अगर आपको दो साइड का मिड पॉइंट पता है और आप उन्हें ज्वाइन कर दो, उनको क्या कर दो, ज्वाइन, तो क्या मिलता है, ये आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, अब पहले था अब नहीं है, तो मैं नहीं करा रहा हूँ। किसी को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूरा डिराइव कर, ठीक है ना। अगर किसी को सीखना है, मकसद चाहते हो नहीं सीखना चाहता हूँ सर, तो आप पूछ लेना, कोई ज्यादा टफ प्रूफ नहीं है, ठीक है। नॉलेज ये कहना चाहते हैं, नॉलेज के लिए कर सकते, ठीक है। ओके, एक्स इज द मिड पॉइंट, ये आपको दो चीजें गिवन होंगी, ये पहली थ्योरम बता रहा हूँ। थ्योरम वन क्या गिवन होगा, एक्स इज द मिड पॉइंट, यानी एक मिड पॉइंट पता है, दूसरा मिड पॉइंट पता है, आप उन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलता है, एक्स वाई इज हाफ ऑफ बी सी। अब इसको बुक में कैसे लिखते हैं, बुक में ऐसे लिखते हैं, इफ यू जॉइन द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ऑब्वियसली थर्ड साइड ही तो बच गई, अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हो तो कितने पॉइंट, कितनी साइड रहेगी, तो उस साइड का वो साइड जो बनी जॉइनों के जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हाफ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये पहला पॉइंट है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, पैरेलल, क्या होती है, ये दो बातें आपको याद है, ठीक है। अगर ये टेन है तो ये क्या होने वाली है, ये इसकी हाफ है और इसके पैरेलल, पैरेलल से क्या होगा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आया नहीं, तो बहुत फायदे होने वाले हैं इस पॉइंट से, क्लियर। क्या थ्योरम क्या कहती है, अगर दो मिड पॉइंट को आप जोड़ोगे तो जो थर्ड साइड क्या होगी, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, आपके पास किसी ने कहा मैं तो ये दो मिड पॉइंट जोड़ूंगा, भाई जोड़ ले ए बी सी, मान लो पी क्यू सर ए सी क्या, आप इन दोनों तो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, बात समझ में आई या नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं, क्लियर है ये नहीं, सिंपल चीज सर लिए नहीं चले। अब दो मिड पॉइंट ऐसे जगह ऐसे जुड़ सकते हैं, जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता सर, बस। अब मान लो कहीं इक्वेशन में दे दें ये एक्स है तो ये क्या होगा, टू एक्स नहीं होनी चाहिए जरूर, थोड़ी जो ये है उसका आधा ही, भाई ये गिवन है तो उसका डबल होगा। अब मान लो ये टू एक्स है, ये दे दी 18, तो इसका आधा करो जब ये इसके इक्वल होगा, ये तो आपने पढ़ा है, ये इसका डबल करो वो इसके इक्वल होगा, जो भी आप समझो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी क्यू इज हाफ ऑफ, तो पी क्यू कितनी गिवन है, 18, 1 अपॉन 2, ए सी कितना है 2x, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, कर सकते हैं ना, भेजो 4x यहाँ पे x कट के वरना 0 हो जाएगा, 2x plus 2 3 या 6, 4x minus 1 उसको अंदर ले जाओ, 6 plus 1 equals to 4x minus 2x, 7 equals to 2x, x equal to 3.5, 7 upon 2 आएगा, यस सर, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन खूब आने वाले, क्लियर है, बेसिक चीज क्लियर है, यस सर। सबसे दूसरा ये पहली थ्योरम है, दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम में ये गिवन पार्ट है, ये क्या है, गिवन पार्ट। दूसरी थ्योरम में क्या गिवन पार्ट होता है, एक्स इज द मिड पॉइंट, क्या गिवन है, ये आपको गिवन, एक्स क्या है, मिड पॉइंट, ये आपको गिवन है, मतलब वो मिड पॉइंट है। उसके बाद क्या करने वाला है, उसके बाद वो बोलता है एक्स
ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द बेस, मतलब एक्स मिड पॉइंट है, वाई के बारे में नहीं पता, एक्स क्या है मिड पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन क्या है मतलब ये बराबर बराबर कट है, तो एक्स इज द मिड पॉइंट, वाई का मुझे नहीं पता, बट ये लाइन जो मैंने बनाई है वो इस बेस के क्या है पैरेलल, ये मुझे पता है, तो then 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 क्या मिलेगा, y is also the midpoint, बात समझ में आई नहीं है कि अगर एक मिडपॉइंट है और उससे मैं एक लाइन बनाऊं जो कि किसके पैरेलल हो बेस के, तो सामने वाली लाइन पे जो कट करेगा वो भी क्या होगा मिडपॉइंट, क्या इसका उल्टा नहीं है, सामने वाली जो साइड बच गई एक साइड आपने ले ली ये मिड पॉइंट थी, आपने इससे पैरेलल बना ली तो ये भी ले लिया आपने, तो कितनी बची, एक ही तो बची, तो सामने जो कट करेगी वो क्या होगी मिड पॉइंट पे ही जाएगी, मिड पॉइंट ये है समझ में आया नहीं है, इसकी थ्योरम क्या कहती है, if you draw a parallel line, if you draw a parallel line from a midpoint of a one line, then it intersects the third line at the midpoint. वो क्या कहाँ पे intersect करेगी? Meet कहाँ पे करेगी? चलो कि MCQ में आ सकते हैं क्वेश्चन. पहला क्या है? The line joining the midpoint of the two side of a triangle is dash of third side. आप भी बोल सकते हो, parallel भी बोल सकते हो. आप भी तो सही है. आंसर लिखा पैरेलल से, हम तो वही बोलेंगे, हाफ ऑफ द थर्ड साइड भी बोल सकते हो, पैरेलल भी बोल सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसके अगर ये पैरेलल है, देखो एक के मिड पॉइंट से निकली पैरेलल है एक सेकेंड वाली साइड, ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रही, बाइसेक्ट द पहली दूसरी से बोला तो ऑटोमेटिकली कौन सी रहेगी, और बाइसेक्ट इसलिए क्योंकि ये अगला पॉइंट क्या है मिड पॉइंट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वाला देखो, ये समझ में आया सभी को? चलिए एंगल नहीं गिवन इस पर, ठीक है, जब होगा जब आज जब कर लेंगे, अभी फिलहाल इसमें कौन, ये है P, ये है S, ये है T, ये है Q, ये है R, उन्होंने बोला है एस पी है थ्री, तो क्यू आर बताओ, अभी बड़ा है ना, ओके. फिलहाल में दूसरे में भी सेम है, अब की बार ये D है, ये E है, इधर देखो ये A है, ये बी और ये सी, और डी ये दे रखा 7.5, बी सी क्या होगा, कह रहे हैं हमें आगे, अब आपकी जरूरत हम कर लेंगे, फिर मैं कहूँगा आगे ये क्वेश्चन करो, कहेंगे नहीं बहुत जरूरत है, ये डबल कट, ये डबल कट, मतलब ये देखो डबल कट सिंगल कट का मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन बराबर, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये कितना है 64, ये क्या है, मैंने अभी क्या बताया, ये या तो इसका डबल लिख लो या ये इसका हाफ, जो आपको मन करे, तो 4x का हाफ कर दो तो ये 64 के इक्वल है, क्लियर है भाई, मिड पॉइंट क्या कहती है, ये लाइन इसके क्या होगी हाफ, 4x का हाफ कर दिया इक्वल टू 64 रख दिया, काटा पीटी करी तो कितना है x के लिए, फिर अगला ट्राइंगल क्या दिया हुआ है ऐसा, ये कितनी है, ये सिंगल कट डबल कट डबल कट, यानी ये दोनों मिड पॉइंट है, ये x माइनस 8 और ये क्या दे रखा है 40, तो 40 को 2 से डिवाइड करो x माइनस 8 के इक्वल को, यही तो करा है आपने, तो ये प्लस माइनस का इधर आगे इसको हो जाएगा प्लस, यानी 20 प्लस 8 28, क्लियर है. नेक्स्ट वाला देखो, ये है x प्लस 8, ये है 6x, ये डबल कट, ये सिंगल कट, यानी ये भी मिड पॉइंट है, यानी x प्लस 8
सिक्स एक्स का क्या है हाफ हाफ करो एट इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स ये एक्स इधर चला जाएगा ना यस सर टू एक्स इक्वल टू एट काटो फोर कोई डाउट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कोई डाउट तो नहीं है सेकंड क्वेश्चन देखो इन अ ट्राइंगल देखो ये ट्राइंगल है ना ट्राइंगल ए बी ए बी सी तो ए बी क्या है सिक्स ये टोटल कितनी है सिक्स फिर आगे क्या बोल रहे हैं ए सी थ्री ये कितनी है थ्री इफ एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एम यहाँ मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू मिड एम एम से एक स्ट्रेट लाइन निकालो विच इज पैरेलल टू ए सी ए सी का क्या होनी चाहिए यहाँ से ऐसे निकलेगी यस सर ये इसके पैरेलल है यस सर ठीक है यस सर कट ए सी एम एन की लेंथ बताओ अभी बाद में बात करेंगे पहले मुझे एक बात बताइए क्या ये थ्योरम ट्रू नहीं है yes, sir. क्या बताया मैंने कि वो एक मिड पॉइंट से निकलेगी एक साइड क्या होगी पहले होगी तो थर्ड साइड को क्या करेगी लिखोगे अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम इफ लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट पैरेलल टू द सेकेंड बाइसेक्ट द थर्ड ये लिख लिया उससे ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये पूरी थ्योरम लिखनी है क्या इफ अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम द मिड पॉइंट पैरेलल टू द सेकेंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड क्लियर है यस सर इसके बाद एन इज द मिड पॉइंट आ गया और जैसे ही एन का मिड पॉइंट आया तो एम एन क्या हो जाएगी हाफ ऑफ एसी होगी या नहीं होगी एसी की आधी एसी कितनी है थ्री डिवाइड कर दो तो एमएन कितनी आ गई बताइए समझ में आया नहीं है बहुत सिंपल क्वेश्चन है टफ नहीं है बट आपको कितना आता है उस पर डिपेंड करता है ठीक है कॉपी करो ओके इनफ फिगर ट्राइंगल एबीसी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर है ये वाले क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है ई इसका मिड पॉइंट है तो जो चीज गिवन है वो पहले आप लिखोगे क्या लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका दूसरा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी जिससे आपको पता है आप कौन सी थ्योरम लगा रहे हो तो अब इसमें कौन सी थ्योरम लगी पहली बार क्या रहेगा इफ टू मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल आर जॉइंट देन इट्स अ हाफ ऑफ थर्ड साइड एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड लिख लोगे यस सर ओके इसके बाद वो क्या कह रहा है इफ डी फाइंड डी इफ बी सी इज सिक्स पहला पार्ट क्या कह रहा है बीसी कितना है तो बीसी सिक्स है तो डी ई थ्योरम के बाद हाफ ऑफ बीसी तो निकल के आता है वन बाई टू इंटू सिक्स कर दो नो डाउट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इफ एंगल डी BC कितना है 140 तो ADE निकालो तो ADE क्या होगा ADE ये निकालना है जब DBC बताए DBC ये बताए भैया ये पैरेलल भी तो है अगर आप ये DE इज पैरेलल टू BC तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल DBC नहीं होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बोलिए यस सर तो एंगल ए डी ई की वैल्यू भी कितनी आ गई कोई डाउट नो सर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर ए एफ डी बी सी अब इन्होंने क्या बोला है उन्होंने बोला डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ई एफ ठीक है अब ध्यान से सुनना अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं इसको इसके ज्वाइन कर दू कर सकता हूँ तो यहाँ पे पहले लिख दो एफ इज द मिड पॉइंट जो का नहीं है ई इज द मिड पॉइंट जिसका है डी इज द मिड पॉइंट जो भी है लिख सकता हूँ yes, तो आप एफ और डी को ज्वाइन करो
तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम एफ डी इज हाफ ऑफ एसी होगा नहीं होगा बताओ? एफ डी इज हाफ ऑफ एसी होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बताओ? होगा, पक्का होगा? तो क्या हाफ ऑफ एसी, ठीक है? तो क्या बोल सकता हूँ? एफ डी इक्वल टू ए ई, क्यों अब बता रहा हूँ बताओ? एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी, ये आप क्या पहले तो ये लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इफ यू ज्वाइन एफ डी इट शुड बी हाफ ऑफ ए सी एंड पैरेलल टू, वो भी लिख देता हूँ यहाँ, बाद में कहोगे तो मेरा वो तो लिखा नहीं आपने, होगा या नहीं होगा? एफ डी इज पैरेलल टू ए सी और एफ डी इज इक्वल टू ए ई, क्यों? क्योंकि ए सी का आधा क्या होता है? ए या ई सी, देखो इसी नहीं चाहिए, मैंने तो ये लिखा, कोई दिक्कत है? तो अब एफ डी पूरी की पैरेलल है तो आधे की पैरेलल नहीं होगी या नहीं होगी? एफ डी इज पैरेलल टू ए ई, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ये लाइन इक्वल भी आ गई और क्या आ गई? पैरेलल भी आ गई। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं क्या ये पैरेलोग्राम भी बन जाएगा? पैरेलोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर आपको करना है तो आप ये वाला भी कर सकते हो कि इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये इस वाले मिड पॉइंट से ये वाली लाइन क्या आएगी? इक्वल हो जाएगी, और ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये समझ में आया कैसे करा मैंने? आप आपकी बार किसको जोड़ोगे? डी को, और फिर क्या बोलोगे? डी इज हाफ ऑफ ए बी, तो फिर क्या बोलोगे? डी इज इक्वल टू ए एफ, फिर क्या बोलोगे? डी इज पैरेलल टू ए एफ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ए एफ डी ई इज 11 ग्राम बोले तो पैरेलोग्राम, ठीक है? तो ये पैरेलोग्राम हो गया। अब पैरेलोग्राम की ये क्या है? डायगोनल नहीं है, इमेजिन करो ये ऐसा पैरेलोग्राम बना है, तो ये ए है, ये एफ है, ये ई है, ये डी है, तो भैया ये इसकी डायगोनल नहीं है, ये इसकी डायगोनल नहीं है, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते डायगोनल ऑफ 11 ग्राम बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। अरे मैया, बस इतना ही चाहिए था इसमें, डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया। आपको क्या पूछा था? ये दो लाइन है, क्या करनी है आपस में? बाइसेक्ट करनी है, हो रहा है, यानी ये पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, हो गया। चार पांच खत्म, तरीका समझ में आया क्या करना है? आपको पहले इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये पार्ट पूरे के आधा होगा। भैया अगर ये मिड पॉइंट है तो ये आधा नहीं है क्या? तो मैं एफ डी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ? ए, और ये अगर पूरे के पैरेलल है तो ये आधा का पैरेलल नहीं है, आधा ही पैरेलल। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल होती है तो पैरेलोग्राम ही होता है, तो फिगर क्या होता है? पैरेलोग्राम। ये नहीं कि आपको इसको करने की जरूरत है, मैंने कहा अगर आप चाहो इससे भी कर सकते हो, आपका काम इतने में हो जाएगा, ये लिख सकते हो, इसके बाद ही डायरेक्ट ये लिख सकते हो, नहीं इसका भी करना बैठ जाए। आपको दो कोई भी दो साइड अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल कर लिए तो फिगर क्या हो जाएगा? पैरेलोग्राम। फिगर क्या हो जाएगा? पैरेलोग्राम। आप जो ये लाइन लिखते डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका सेकंड पार्ट देख लो, वो आप घर से करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है बट अब की बार एबीसी को क्या बोल दिया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आइसोस्केलेस में यार दो कट बनाए हैं तो मैं सिंगल कट नहीं रख दूंगा फिर? क्योंकि ये लाइन भी तो इक्वल है दोनों, तो जो आधा आधा इधर बराबर, वो आधा आधा इधर भी बराबर, तो ये तो फिर एक रोमबस भी बन गया। पैरेलोग्राम और रोमबस में क्या फर्क? पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, बट ये साइड अपने एडजेसेंट के बराबर तो नहीं होती, बट अगर ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड भी बराबर है तो इनकी आधी आधी साइडें बराबर नहीं होंगी, तो ये चारों साइड बराबर नहीं आ गई इस बार पैरेलोग्राम की। और अगर पैरेलोग्राम की चारों साइड बराबर होगी तो वो क्या कहलाता है? रोमबस। ये पैरेलोग्राम बोलोगे बट क्योंकि चारों साइड बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? रोमबस की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर को 90 डिग्री कहते हैं। यस सर, नहीं सर, हमारे को तो स्कूल में परपेंडिकुलर के मैंने नहीं सिखाया था, 90 डिग्री बताया, हम तो 90 डिग्री ही बोलेंगे। अरे भाई साहब, इसी फिगर को, पैरेलोग्राम को अगर आपने आइसोस्केलस दिया है तो ये साइड बराबर
तो उससे ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड के बराबर, तो ये वाली इसके इक्वल आ गई, तो चारों में सिंगल कटी तो आया, तो ये है तो पैरेललोग्राम बट चारों बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है? रोम्बस। और अगर वो रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। समझ में आया है? यही तो मांगा है उन्होंने मेरे ख्याल से, शो द बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। फिर मैं हार्ट अटैक करना क्वेश्चन, ठीक है, सही है। कल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे, अभी तक कॉपी करो।